हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं तमिल फिल्म काला के बारे में और साथ ही बात करूंगा कि क्या ये फिल्म रेस्ती के साथ क्लैश हो रही है। जी हां, ये खबरें ट्रेड में आ रही है और ये खबरें पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट ये खबरें इसलिए भी बहुत ज़्यादा आ रही, वो इसलिए मैं आपको बता दूँ मेन इंपॉर्टेंट रीज़न। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं और वहाँ के थिएटर ओनर्स हैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है। वर्चुअल प्रिंट फीस नाम की चीज़ जो होती है, यानी कि आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स और थिएटर्स के बीच में एक प्रिंट आता है फिल्म का, उसके ऊपर जो परसेंट शेयरिंग की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है। और ऐसी बातें सुनने में आ रही 50% वर्चुअल प्रिंट फीस मांग रहे थिएटर ओनर्स और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को वो थोड़ा सा खामियाजा नहीं देने के मूड में है, यानी कि प्रॉब्लम हो रही है। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि हम इतना नहीं देंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टिकट सॉरी वर्चुअल प्रिंट फीस में। ये मामला क्या है एग्जैक्टली बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इससे तमिल फिल्म इंडस्ट्री को हर दिन 3 से 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और मैचेस जिसे आपको पता है चालू हो चुके हैं आईपीएल, उससे और ये इन मैचेस की वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आपको बता दूँ कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही तमिल में, और यानी कॉलीवुड बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है। और यहाँ पर साफ है कि जो 27 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी काला रजनीकांत की फिल्म, वो भी डिले होगी, 110% डिले होगी, क्योंकि अभी तक कोई एक बुद्ध सॉल्यूशन निकल के नहीं आया और मेकर्स नहीं चाहेंगे कि ऐसे माहौल में ऐसे टाइम में कुछ और प्रॉब्लम हो। इसीलिए साफ साफ है मेकर्स ने कोई रिलीज डेट अभी तक तय की नहीं है लाइका ने, और इस फिल्म का रिलीज डेट क्या होगा ये भगवान जानता। लेकिन हर ट्रेड में ये बातें फैल रही है और वो ये है कि ये 15 जून को रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा सलमान खान वर्सेस रजनीकांत। जी हाँ, ये होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अप्रैल के बाद कोई सबको पता है मई तक आईपीएल चलने वाले, उसे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है फिल्मों को, और इसलिए सभी जून की ओर भाग रहे हैं। और जून की ओर अगर भागेंगे रिलीज डेट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से 15 जून सबसे बेहतर डेट रहेगी। मेकर्स यही सोच रहे हैं कि ईद के दौरान फिल्म रिलीज करेंगे तो उनको नुकसान ज़रा भी नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि ईद पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं काला फिल्म का जो बेस है वो मुंबई का है, धारावी का है, एक डॉन की कहानी है, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, अगर ये स्ट्राइक या फिर इशूज जो है प्रोड्यूसर काउंसिल जो है तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल उनके बीच में और ये जो थिएटर ओनर्स हैं इनके बीच में अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर कंफर्मेशन अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बातें चल रही है और ये कहीं ना कहीं शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर सबके लिए होगी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि रजनीकांत की फिल्म फटाफट रिलीज़ हो और वो देखे, और अगर नहीं रिलीज होती है तो उन्हें 2 सुपरस्टार एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी ईद पर, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इस खबर के बारे में आप क्या राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिलहाल कितना ही।